होता था। हाँ। मेरे में थे, आ, दस अच्छा। तो मैं और मेरा फ्रेंड हमेशा रमा यार दस रुपए का कौन पेट्रोल पे नागल ना, <laughs> <laughs> तो ना। खत्म हो गया हुआ हम रेड के लेके जा रहे हैं कहता यार दस मैंने कहा यार क्या करे उधर से एक बंदा आया बड़ी कॉन्फिडेंटली पंच रुपए <laughs> <laughs> ओ यार, तो मैं, ना। यार ना हमारा कॉन्फिडेंस तो इतने लेवल पे चले गए हमने कहा यार तो दस रुपये का डाल होगा डालने वाला शुक्र है कोई दुख ना तो आया <laughs> हाँ, मैं, तो मैं सोचा का क्या क्या होगा एक पिस्टल चली वो करते भी तो हैं घपला भी तो करते हैं कई बार शुरू में तो चलती नहीं नोज नोजती <laughs> क्या पता उसकी तीन रुपए तक चली ना हो तीन रुपए की हवा ही निकली है फिर, फिर, फिर बाद में रेड़ रहा हो तीन चार मिनट सो वेलकम टू कैन का शो सर कैसे हो आप बहुत टाइम से वेट कर रहा था मैं जब से मनीष ने ईमेल डाली आपको जब आप रिप्लाई आया कि असिस्टेंट को ऐसे ऐसे अप्रोच करो तब से ही वेट कर रहे थे कि क्योंकि आपका जो इंस्टाग्राम है उस पर आप इन्फॉर्मेशन वीडियो डालते रहते हो ना तो मुझे था कि हाँ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा तो जल्दी जल्दी आए और आज वो दिन फाइनली नहीं थैंक यू एंड फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट कॉल मी सर अरे call वो साहस रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट से <laughs> हाँ बट दिस इज समथिंग दैट आई टेल माय टीम आल्सो कि

साहस की जिंदगी में 2019 से पहले क्या था क्योंकि मैंने आप पढ़ा जो आपका पोर्टफोलियो आया था कि आप बहुत कम पैसों के साथ 2019 में यहाँ आए उसके बाद की डिटेल है 2019 से पहले की कोई डिटेल नहीं है हुँ. तो वो मैं जानना चाहता हूँ क्या था क्या आप करते थे वहाँ और क्यों बिना पैसों के मतलब बहुत कम अमाउंट ऑफ मनी के साथ आप यहाँ आए शुरुआत करने दोबारा हाँ तो गुड़गांव ट्वेंटी आई थिंक मैं ट्वेंटी फोर्टीन लास्ट सेवन ईयर्स बिफोर कमिंग टू कैनेडा आई वॉज इन गुड़गांव तो वहाँ पर फनी अनफ मेरा सिक्योरिटी कैमराज का बिजनेस था ओके सो सिक्योरिटी कैमराज फिर उसके बाद आई वेंट इन टू कॉन्टेंट कंसल्टिंग विथ समर ब्रांड वो बाद में आ, हुआ लेकिन सबसे पहले मैं सिक्योरिटी कैमराज तो वो शॉप थी आपकी या ऑनलाइन ऑनलाइन नहीं मतलब शॉप तो वैसा कुछ नहीं था बट लाइक आई वॉज अ सिस्टम इंटीग्रेटर तो ऐसा ऐसा कि प्रोजेक्ट्स मिलते थे तो प्रोजेक्ट्स जैसे हमने प्रोजेक्ट ले लिया चाहे गवर्नमेंट का टेंडर हो या कोई प्राइवेट टेंडर हो तो वो हमने ले लिया और उसमें फिर वी सप्लाई वी इंस्टॉल ऑल द सिक्योरिटी इक्विपमेंट्स तो सिक्योरिटी इक्विपमेंट्स में कैमरा बूम बैरियर्स टायर किलर्स होटल्स में लगाए हुए हैं फाइव स्टार होटल्स में जैसे पुल मैंस हैं सेंट्रल पार्क इन रेजिडेंशियल वहाँ पर टाउनशिप है सो उस जगह पे हमारे वो लगता था स्कूल्स में लगते थे इंस्टीट्यूशन्स में mm. लगता था बट दैट वॉज एंड रियली माई पैशन कौन बड़े होकर बोलना चाहता है यार आई वॉन्ट टू बिकम ए सिक्योरिटी एक्सपर्ट या सिक्योरिटी कैमराज या अपना कुछ वो वाला काम करना दैट वॉज जस्ट गिवन टू मी क्योंकि आई कम फ्रॉम आई बिजनेस फैमिली ओके माई फादर हैज़ हेड अमेजिंग इनक्रेडिबल बिजनेस लाइफ मैं ये इसका मतलब ये नहीं कि सारे सक्सेस ही था बहुत फेलियर्स था अप एंड डाउन चल बहुत ज़्यादा तो हमने उनको देखा और यू नो व्हेन यू कम फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली आपका एक माइंडसेट ये होता है कि यार करना तो बिजनेस ही है Hmm. अब वो पहला माइंडसेट ये होता है कि बैठना तो फादर के बिजनेस पे ही है जब आप जब देखा कि फादर का कोई बिजनेस ही नहीं है फिर करना है कि चलो अपना ही बिजनेस शुरू hmm. कर दो तो वही माइंड था एंड माई फादर वॉज अ कॉन्ट्रैक्टर वो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं ना जो जैसे बिल्डिंग्स बनानी गवर्नमेंट hmm. की बिल्डिंग्स बनानी कॉलेज स्कूल्स ब्रिजेस डैम्स ये वाले काइंड ऑफ बिजनेस हिमाचल में uh, पंजाब में ये वाला काफी ही इज़ हीन अ वेरी सक्सेसफुल गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर एट दैट टाइम देन ही वेंट इन टू फाइनेंसिंग फाइनेंस का बिजनेस उन्होंने किया वेरी सक्सेसफुल इन दैट एक्सपोर्ट्स का भी बिजनेस किया गुड बिजनेस बट डाउनफॉल कुछ बिजनेस uh, में ऊपर नीचे हो गया एंड hmm. बट uh, काफी देर तक ही केप्ट ऑन स्ट्रगलिंग कि वट शुड ही डू नेक्स्ट वट ही शुड डू नेक्स्ट एंड मैंने उनसे ये सीखा कि इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट एनी टाइम एंड आई एम सो प्राउड ऑफ हिम टू दैट ही सेवेंटी ईयर्स ओल्ड एंड ही स्टार्टड न्यू बिजनेस एट की एज पर ही स्टार्ट अ न्यू बिजनेस फ्रॉम द लास्ट ट्वेंटी लाइक टेन फिफ्टीन ईयरस वी हैव जस्ट सीन हिम ट्राइंग टू डू सम वो माइंड सेट ऐसा क्रिएट हो गया होगा ना हाँ तो उनसे ये चीज़ सीखने के मिली कि दैट यू नो छोड़ो मत कि ठीक है आप कुछ चीज़ नहीं चलती आपकी लाइफ में सी अब दो दोस्त हैं एक बहुत रिच है दूसरा आप भी बहुत रिच हो लेकिन अब आपका किस्मत आपकी है उसकी किस्मत उसकी है तो हो सकता है कि आपके जो चैलेंजेस हैं वो हो सकता क्या होगा ही कि okay. आपके चैलेंजेस इंटायरली डिफरेंट हएंगे आपकी जैसे डेस्टिनी है वो इंटायली डिफरेंट होगे सो ऑब्वियसली देर इज गोइंग टू बी सम गैप्स तो ये नहीं है कि दोनों ही सक्सेसफुल रहेंगे एक ही स्टाइल में सो वो चीज़ जब मैंने एक्सपीरियंस uh, की एंड आई सॉ माई फादर वेरी पेशेंटली वेंट थ्रू ऑल सो आई लर्न दैट पेशेंस फ्रॉम हिम कि कुछ भी करो अपनी लाइफ में बिजनेस करो या कुछ भी करो इट विल हैपन ऑन इट्स ओन बट यू हैव टू गिव योर सेल्फ टाइम क्योंकि अगर आप ये सोचते रहोगे ना कि अरे यार अपने आप को कंपेयर करते रहोगे कि दूसरे का इतना हो गया मेरा अभी हो नहीं रहा फिर तो आप यार डिप्रेशन में चला जाओगे हाँ फिर तो, आप कंपेरिजन में, में रह रह जाओगे जाओगे ना में आई थिंक उनसे उस वक्त नहीं पता चला कि ये क्योंकि उस वक्त तो आप बड़े बडिंग यू नो यदर एंड सन के काफी Uh, हेडेड होते रिलेशन नहीं होता इतना तो आपका तर, कर, करने का तरीका अलग है उनका अलग है वो ठीक है क्योंकि वो एक्सपीरियंस से बात कर रहे हो हमारे पास अभी वो विजडम नहीं है वो एक्सपीरियंस नहीं है जब आप उस एज पे पहुंचते हो फिर पता चलता है यार कुछ अपनी फैमिली में कोई बिजनेस हो हम उसको उतना प्रायोरिटाइज नहीं करते है ना ऐसा होता है ना कि जैसे मेरी फैमिली में मम्मी का बिजनेस था क्लोथिंग का तो मुझे लगता था मुझे कभी दिमाग में आया नहीं कि मैं इसको भी आगे ग्रो कर सकता हूं। अपनी फैमिली में जो बिजनेस होता है वो माइंड सेट नहीं काम करता कि हाँ ये नहीं करना यार और कुछ करेंगे पता नहीं वो खुद से होता है ना कि दैट यार कुछ अपना करना है हाँ, 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 कुछ करेंगे इसमें इसमें स्कोप नहीं है पर उसमें कितना स्कोप हो अपने तरीके से आप उसको ग्रो कर सकते हो पर वो पता नहीं कि वो माइंडसेट ही ऐसा होता है उस टाइम पे चलता ही नहीं वो बट yeah. वो भी इंडिविजुअल माइंड सेट है ना विच इज नथिंग रॉन्ग क्योंकि मेरे ख्याल से ये मोस्ट पीपल गो थ्रू दिस काइंड ऑफ अ चैलेंज कि हमें कुछ अपना करना है hmm. तो वो अगर आपके पास आपका कोई खुद का बिजनेस है या आपकी फैमिली का बिजनेस है आई थिंक वो आपको ना एक वो दे देता है फाउंडेशन दे देता है hmm. अगर आप उसमें कुछ कर सकते हो अ लॉट ऑफ पीपल डोंट हैव दैट काइंड ऑफ अ फाउंडेशन अगर आप उसको ग्रो करने की कोशिश करते हो लाइक आई लाइक इवन वी

इससे अच्छा कि मैं मेरे पास एक अगर फाउंडेशन दी है तो उसको क्यों ना यूज करो उसको यूज करो इफ यूर इन फाउंडेशन को आप करते हो तो. पहली हुआ है ना सब हाँ। कुछ बस आपको ग्रो ही करना है, हाँ। मेरे केस में वो ग्रो नहीं था वो कुछ हाँ। था ही नहीं वो खत्म हो गया हुआ था हाँ। तो जब तक हम ये सोचते थे कि यार बैठना पापा के पापा का बाद कैसे क्या सोचा दैट वॉजन माइ ड्रीम ना

बट बट स्टिल आई नेवर था कि मैं डिजिटल मार्केटिंग कॉन्टेंट मीडिया एजेंसी और ऑल थिंग्स दैट आई विल गेट एन टू और ये सब चीज़ें शुरू करूँगा बट ओवर टाइम आई थिंक मेरा एक जो मेन सेटबैक हुआ आई थिंक समवेयर अराउंड 2018 में या 2017 सेवनटीन समवेयर अराउंड ट्वेंटी सेवेंटीन में आई वो सपोज टू गो टू दुबई सेम बिजनेस जो मैं पहले कर रहा था उसी का ही एक आगे एक्सटेंशन थी दुबई में किसी और के अंडर करना था तो दैट वाज एन अपॉर्चुनिटी टू गो एक्सप्लोर आउटसाइड फ्रॉम इंडिया आउटसाइड फ्रॉम इंडिया एंड किसी के साथ काम करके लर्न फ्रॉम देम वर्क अंडर देम एंड डू दैट तो मैंने क्या किया अपना सारा बिजनेस बुजनेस बेच दिया जितना भी था okay. सारा रैप अप कर लिया जो भी रेंटेड अपार्टमेंट था वो भी छोड़ दिया गाड़ी छोड़ दी सब कुछ आई वॉज लिविंग एट माई फ्रेंड्स प्लेस गुड़गांव में एंड hmm. uh, मेरी नेक्स्ट डे फ्लाइट है दुबई की hmm. मुझे रात के दस बजे ईमेल आती है सॉरी वी कॉन्ड हाई आई यू दैट एक दिन पहले एक दिन पहले ई आती है वी कॉन्ड हाई आई यू एंड वी आर सो सॉरी दैट दैट ऑफ सेंडिंग यू दिस एंड ऑल आई उस टाइम आपने सारा कुछ अपना सेल कर चुके थे सब कुछ एवरी थिंग आई वॉज नॉट एवन टेकिंग न्यू क्लाइंट्स कोई भी नेटवर्किंग इवेंट हर एक को बता दिया हुआ था कि आई एम गोइंग टू दुबई हर एक को कि आई एम नॉट गोइंग टू बी हेयर फॉर द नेक्स्ट थ्री ऐसा क्यों किया क्योंकि आई वॉज श्योर कि ये चीज इट विल वर्क आउट उन्होंने ऐसा क्यों किया आई थिंक uh, दो रीजन थे एक रीजन ये है कि वी वर आई आई माइट होपफुल कि इट वर्कड जबकि मुझे थोड़ा सा और पेशेंटली वेट करना चाहिए था बाकी चीजों का सो इट वॉज अ फॉल्ट एट माई माई साइड कि अभी तक उनका कुछ भी फॉर्मली बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं आई थी mm. उन्होंने बस एक्सेप्टेंस आ गई थी या वी लाइक वॉट ए व टॉकिंग अबाउट एन ऑल द महंगा ये तो ठीक है फिर उनको बट मे बी हाउ द डायनेमिक्स ऑफ देयर बिजनेस ऑल्सो वेंट थ्रू तो उनको लगा कि नहीं दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू गेट सम बडी जबकि हमें वहाँ से लोकली हायर करते लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर आप अभी कैनेडा में हो बट mm. अगर कोई इंडिया से कैनेडा आना चाहता है या किसी और कंट्री से आना चाहता है तो पहले कंट कैनेडा में आप को गवर्नमेंट बोलेगी व्हाई व्हाई डोंट यू हायर समबडी इन कनाडा इटसेल्फ इंसटेड ऑफ हायरिंग समबडी फ्रॉम अब्रॉड जो यहाँ पर आए तो इसलिए आपको यहाँ पर पहले वो निकालना पड़ता है दैट करिकुलम दैट आई वांट टू हायर समबडी इन दिस फील्ड राइट तो वो जब नहीं मिलता उसके बाद फिर गवर्नमेंट जो एजेंसी है देन यू नो यू टेल देम दैट ओके आई मार्केटेड इट नोबडी शोड इंटरेस्ट देन दे

ई वॉज रियली नॉट वेरी श्योर कि मैं मेरी लाइफ कहां जा रही है सो आई थिंक दैट वॉज फॉर गुड क्योंकि वो चीज जो हुई उसके बाद ही सारा कैनेडा का प्रोग्राम बना hmm. उसके बाद ही नेक्स्ट थ्री मंथस आई डेंट टेल एनी वन दूर इवन इन इंडिया मैं सब कुछ महीने के लिए बिल्कुल अंडरग्राउंड क्या क्या उन तीन महीनों में पढ़ा डिजिटल मार्केटिंग का सीखा यह सब चीजें सीखी ज्वाइंट कोर्सेस कुछ माइंड सेट चेंज हुआ आपका उस टाइम उस टाइम पर बहुत डिप्रेस था आई वॉज वेरी डिप्रेस्ड डिप्रेशन हेज बीन पार्ट पार्ट ऑफ माई लाइफ फ्रॉम इंजीनियरिंग सो डिप्रेशन को मैंने बहुत क्लोजली ऑब्जर्व uh, किया एक्सपीरियंस किया और नॉट जस्ट लाइक मेंटल बट वो उसका जो फिजिकल इम्पैक्ट होता है आपकी hmm. लाइफ में तो वो भी एक्सपीरियंस किया तो डिप्रेशन एंड आई हैड बीन वेरी गुड फ्रेंड्स एंड आई रियलाइज कि उस टाइम के बाद भी मेरा थोड़ा उसी स्टाइल में काम हो रहा था एंड यू नो वेन ऑल ऑफ दीज थिंगस है यू गो टू वर्ड्स सम एडिक्शन्स और आई वुडेंट इवन कॉल माई सेल्फ एज अडिक्ट एल्कोहल एडिक्टर एनी थिंग बट मेरी वाइफ मुझे आज बोलतीस आज बिलीव ट नॉट यू आर अ बॉर्डर लाइन एल्हल एल्कोहल क्योंकि मैं मैंने addicted. कभी बिकॉज फॉर मी आई डोंट हैव एनी प्रेफरेंस कि मैं पीऊंगा या मैं ये करूंगा मैं वो करूंगा इट्स जस्ट लाइक हाँ ठीक है दारू का काम क्या चढ़ाना चढ़ा लो बस ऐसे ही सोचा है ये नहीं कभी सोचा कि ये मेरा फेवरेट ब्रांड है ये मेरा फेवरेट स्कॉच है ये मेरे फेवरेट hmm. यागर है

आप क्या चीज कर सकते हो क्या चीज नहीं कर सकते हो और क्या चीज आपको पीछे लेके जा सकती है मुझे ये मेरे को अपने स्ट्रेंथ्स पता है कि व्हाट आई कैन डू इज आई बिलीव इन माई सेल्फ ये मैं व्हाट मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक क्या थी दुबई वाले आई बिलीव्ड समबडी एल्स कि उसके बेसिस पे आई वाज डिसाइडिंग माय डेस्टिनी बट यू कैनॉट बेस योर डेस्टिनी ऑन समबडी एल्स लाइफ और समबडी एल्स वर्ड You have to make your own choices, and you have to stand by it. You have to be responsible. Hmm. नहीं हुआ तो नहीं हुआ यार. Hmm. हुआ तो हुआ. It's your responsibility. Hmm. अगर आप नहीं लोगे, तो you आप कहोगे यार उसने मेरे साथ ऐसे किया. Hmm. So I'm not even denying कि जो भी उस बंदे ने किया, maybe whatever reasons is, but it was my fault कि मैंने अच्छी तरह से उसको screen नहीं किया. Hmm. तो यही चीजें उस वक्त जब when I was going for uh, George Brown College. तो आई रियलाइज दैट ये मेरा मैं आगे जाना चाहता हूँ ये मुझे फिर से पढ़ाई की तरफ लेके जा रहा है hmm. मैं दो साल की पढ़ाई करूंगा आई एल गो एंड अप्लाई फॉर जॉब्स दो ढाई साल लग जाएंगे उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा कहीं पर मैं कहूँ दिस इज अ न्यू स्टार्ट फॉर मी आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच साहस कैन बी अपर मैन क्योंकि ये मेरी न्यू आइडेंटिटी भी बन सकती है एनी वन इफ हु कैनेडा हु इज इन एनी प्लेस इफ यू गोइंग टू न्यू प्लेस you can be anyone hmm. and start from scratch make that your alter ego alter ego ka concept pata Nein. like clark kent in superman bruce wayne and batman they are two oh, different okay. people yeah. in one yeah. person hmm. so you can be anyone bruce wayne life may businessman professional hai, billionaire joe work hmm. but during the night he becomes somebody else he becomes a vigilante Superman, he's a a uh, Clark Kent is a guy who works in a press media. Right, yeah, right. But when there is a need of an hour, he'll just open his shirt and he'll become somebody else. जो जिसमें इतना कॉन्फिडेंस है उसमें फेक्टिकल्स डाल के रखता है इनकॉन्फिडेंट है लड़कियों से बात नहीं होती उससे स्पाइडर मैन सेम थिंग इव दिस इज एन ऑल्टर रिगो इफेक्ट कि उनकी रियल लाइफ कुछ और है बट कुछ चीज अपने को वो नाम दे देते हैं कि दे बिकम somebody else. मुझे ऐसा लगता है ये बहुत नॉलेजेबल पॉडकास्ट होने वाला है मैं तो बहुत कुछ सीख रहा हूँ कॉलेज का एक दिन गए आप ड्रॉप hmm. आउट हुए क्या सोचा क्या करूँगा मैं क्योंकि यहाँ पे नया नया आदमी जब आता है उसके पास कोई पाथ नहीं होता कोई और साथ में सिखाने को नहीं होता तो कैसे एक बार में ही आपने सोचा और कैसे क्या करोगे आगे यार आई मीन फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन आई केम टू कनाडा आई फेल्ट फ्रीडम कि आई कैन मेक माई ओन चॉइसिस लाइक आई सेट थोड़ा सा रिवर्स अगर मैं करता हूँ कि वेन आई से दैट आई कम फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली अ लॉट ऑफ योर लाइफ डिसीशंस आर गवर्न बाई योर पेरेंट्स एंड फैमिली तो आपको जो बताया गया जो आपको पूछना पड़ता है ये सब चीज़ें आपको फैमिली से ही फीड होती हैं और आपको अबाइड भी करना पड़ता है और वो चीज़ें जबकि ऐसा नहीं कि कि है कि उन्होंने कुछ मेरे पे बहुत पुश किया हो बट आई एम जस्ट टेलिंग कि आपका माइंड कि यू रिलाई ऑन

आई फेल्ट अ फ्रीडम ऑफ डूइंग एनी थिंग दट आई वॉन्ट तो जो मैंने कभी जैसे ऊबर चलानी वर्किंग इन चॉकलेट स्टोर ये सब चीज़ें काम किए जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था मैंने मैं करूँगा आई एंजॉयड दैम कि गाड़ी चला रहा हूँ मैं एंड आई एम स्पीकिंग टू सम बड़ी जो कोई प्रोफेशनल है एंड आई वोड यू डू फॉर लिविंग ओ आई डू दस ओ वाओ एंड कॉन्वर्सेशन आगे पीछे करनी सो so, मेरे ख्याल से मेरा स्विच ये था कि इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर अ रेगुलर पाथ मैंने अगर एजुकेशन ही लेनी है आई लर्न रियल लाइफ एजुकेशन ना जो हार्ड स्किल्स हैं जो आपके सॉफ्ट स्किल्स है कम्युनिकेशन आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करना वाई आंट वी पेइंग अटेंशन टू दैट आई एम कमिंग टू न्यू सिटी न्यू कंट्री ऑल टुगेदर तो मुझे अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है. और शुरू में यू कम टू मेंनेडा थोड़ा सा घबराए हो थोड़े से क्या बहुत घबराए होते हो यार या, कैसे क्या बनेगा कैसे करना है कहाँ पे जॉब मिलेगी कहाँ पर कैसे पर करना। प्रेशर इतना होता है क्योंकि ऐसी कंट्रीज में स्कोप बहुत ज्यादा है हाँ। तो उस वजह से थोड़ा प्रेशर भी क्रिएट होता है कि हमने भी कुछ करना है कुछ करना है हाँ। और लोगों से बात करके मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा डाटा मिलता है हमको बहुत ज्यादा नॉलेज मिलती है जैसे मैं फैक्ट्री में जॉब करता था तो मैं बहुत लोगों से बात करता था और मैंने एनालाइज किया कि जो लोग यहाँ पे दस साल से हैं या आठ साल से हैं काम कर रहे हैं उनके दिमाग में क्या चल रहा है कि हम कैसे इंस्टेंट पैसे कमाए हाँ। वो पैसे के पीछे भाग रहे हैं वो पैसा अपने पीछे नहीं भागा रहे वो पैसे के पीछे भाग रहे हैं इसलिए वो आठ दस साल से यहाँ पे हैं ये मैंने तो वो स्टडी करके नहीं पता लगेगा वो लोगों से बात करके एनालाइज करके ही पता लगेगा राइट right. तो वही पता किया वैसे ही एंड कार सेल्स में जॉब की सो आई सोल्ड कार्स वर्क विथ किया एंड आई थिंक मैंने जब ड्रॉप आउट किया तो उसके बाद मैंने यही सारी एक्टिविटीज पे ज़्यादा फोकस किया सो आई स्टार्टेड वर्किंग इन कार सेल्स ऑन कमीशंस गॉट टू इंटरेक्ट विद पीपल वन ऑन वन अंडरस्टुड की Uh, उनके क्या पिन पॉइंट्स है हाउ डू दे टॉक हाउ डू दे बिहेव हाउ डू दे interact? और उनसे इंट्रैक्शन करके ना मेरा कॉन्फिडेंस आसा आस्ता बढ़ना शुरू हो गया सो आई पुट माई सेल्फ इन टू दो हाई प्रेशर सिचुएशंस कि क्या हो जाएगा ज्यादा ज्यादा हार्ट अटैक तो नहीं आ जाएगा ना hmm. मर तो नहीं जाऊँगा ना और इसी दौर में आपने मैंने आपके पोर्टफोलियो में पढ़ा था कि आपने बस में ट्वेंटी थाउजेंड डॉलर रेज किए वो uh -huh. वो कैसे वो मेरे को जब मैंने आउट किया था तो आई फाउंड रियल एज यू यहां बहुत कॉमन है, है. Hmm, बहुत कॉमन है एंड दैट्स अ लॉट ऑफ रियल एस्टेट एजेंट्स बनते हैं यहाँ पर रियल इंडस्ट्री इज दैट्स व्हाई करियर ओरिएंटेड बहुत है तो hmm. hmm. so, मैंने आई वेंट टू वन ऑफ द मास्टर माइंड एंड आई रियलाइज कि मुझे जो चीज़ें नहीं पता वो इन लोगों को पता mm -hmm. और मैं जैसे दो ढाई सालों में सीखूंगा लाइक आई सेड अगर मैं एजुकेशन करता हूँ वो तो एजुकेशन ही लेनी है ना mm -hmm. तो आई आस्क दिस पीपल टू ट्रेन मी राइट अब दो ही हो सकते हैं वेज टू एलिवेट योर सेल्फ एंड टू रीच टू द सक्सेस दैट यूअर लुकिंग फॉर आई यू स्पेंड टाइम और यू स्पेंड मनी टू टू वेज डू दैट नाउ टाइम -on yeah. right? okay. ये है कि रेगुलर की मैं मेहनत करता रहूंगा मैं दो ढाई साल लगाऊंगा एजुकेशन लूंगा जॉब लूंगा, लूंगा फिर उसके बाद सीखूंगा कि कैसे करना ah. this is time. पहुंचूंगा वट एवर माई गोल इज आई विल रीच टू दैट गोल बट वो टाइम देना पड़ेगा मुझे hmm. तो दूसरा है कि मुझे पैसा देना पड़ेगा मेरा टाइम श्रिंक हो जाएगा बट वॉट आई हैर्न इन टू ईयर्स आई विल लर्न इन सिक्स मंथस और उसको मैं राइट वे इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दूंगा सो दैट अप्रोच आई टुक कि आई वेंट टू दोज पीपल एंड आई टोल्ड दैट यू नो वॉट आई वॉन्ट यू टू ट्रेन मी सो आई वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ योर मास्टर माइंड बट आई डोंट हैव मनी तो कहते हैं कि और सिक्स मंथ्स के ट्वेंटी थाउजेंड आई स्पेंड बाय द वे उसके बाद भी मैंने रेस किए थे विच वेंट मैंने फिफ्टी थाउजेंड डॉलर्स तो ऐसी लोगों से पैसे मांग मांग के आ, वो किया था तो वेन आई वेंट टू दैम आई सेट आई हैव नो मनी बट आई वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ कहते ओके दिस इज द फीस बट शो आस योर स्किल प्रूव कैन यू रेज मनी तो उस बंदे ने बोल दिया कि ही स्टूड एंड एन ई सैड तो सम पीपल हु अटेंडेड दैट मास्टर माइंड इवेंट और ये वो कहता है किस टूडअप इन सैड दिस इमिग्रेंट हू केम टू फ्राम इंडिया ही हैज नो मनी बाय द वे एंड इसके पास क्रेडिट कार्ड भी नहीं है बिकॉज वेन यूर न्यू हार्डली यू गेट एनी क्रेडिट कार्ड में से right. भी हजार डॉलर मिलता है जो ग्रोसरी है ना ऑल दैट खर्च हो जाता है सो लॉट ऑफ पीपल

या, या, एग्जैक्टली जॉर्डन बेलफोर्ट वाला तो uh, okay. so, मैंने कहा यार अब तो ये सीरियस हो गया काम hmm. मेरा ना हार्ट बीट इतनी हार, बढ़नी शुरू हो गई उस टाइम पर कि मुझे यू you नो know, आप प्राइमल इंस्टिंक्ट पे hmm. चले जाते हो कि फाइट और फ्लाइट मोड कि गोइंग टू हैपन बिकॉज आपको डेंजर साइन दिख गया ना सी डेंजर साइन दो में होता है कि आईधर यू आर क्रॉसिंग द रोड कोई बस आ गई एंड यू लाइक अनदर वेज की वेन यू आर स्टैंडिंग इन बिटवीन द पब्लिक पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हो ना और सारी आईज आपको स्टेयर कर रही है स्टेज यू आर ओनली ऑन द स्टेज एंड यू गेट फियर की वॉट गोइंग टू हैपन है प्राइमर इंस्टिंक्ट एनिमल तो मुझे ऐसा लगा कि एम आई गोइंग टू डाई क्योंकि माइंड में समझ नहीं आ रहा था ना कि आप आप कंट्रोल करने की चाह रहे हो अपनी नहीं 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 दिस इज नॉट द टाइम वो नहीं है दिस इज नॉट दैट

तो ऐसे ऐसे कर कर के पता नहीं मैंने क्या क्या बोला hmm. उस वक्त इन द मोमेंट एंड एक बंदा खड़ा होकर बोलता कहता आई एल गिव यू टू थाउजेंड डॉलर मैं क्या फक वाई आपने उसको पूछा वाई आई आज टेम लेटर बट मैं अपने माइंड में सोचा मैं क्या दो हजार कैसे दे रहा है हाँ. मतलब कि किसी से मांगोगे वो यार दस डॉलर नहीं देता हाँ, वो भी बस में वो भी बस में आ, हाँ. तो फिर दूसरा बंदा कहता आई एल गिव यू सिक्स थाउजेंड फिर मैं मांगे जा रहा हूं मैं क्या यार अब मांगना पड़े मांगते रहो मांगते रहो हर एक आईज में Potential देखो। दिख गया ना। एक वो कॉन्फिडेंस yeah. मिल गया पुश yeah. मिल गया नाउ हैव टू आस्किंग तो ऐसे ऐसे पूछता रहा पूछता रहा तो आई रेज मोर देन ट्वेंटी थ्री थाउजेंडर थाउजेंड तो इतने लोग है क्या कहता मैं दस हजार दे दूंगा मैं छह हजार दे दूंगा

मैं क्या यार मैं तो रियल एस्टेट एजेंट हुई नहीं ना ही मैं इन्वेस्टर हूं तो मैं क्या करूंगा uh -huh. इन सबको मैं अपनी सर्विसेज बेचता हूं स्टार्टेड सेलिंग माय सर्विसेज टू द पीपल हुआ मास्टर माइंड सो आई सेट आई कैन डू फी यू आप रियल स्टेट में हो लेट मी हेल्प यू विद मार्केटिंग उनकी मार्केटिंग प्रोजेक्ट उठाने शुरू कर दी ऐसे hmm. आपने डिजिटल मार्केटिंग शुरू की दैट्स हाउ आई स्टार्टेड माय डिजिटल मार्केटिंग आपको एडिटिंग वगैरह सब कुछ आती थी उस टाइम ah, पे मैं सीख रहा था साथ साथ में सीख रहा था एडिटिंग तो बाद की लेटर ऑन स्टेज है उससे पहले व्हाट आई डिड वाज दैट आई पार्टनर विद वन ऑफ माय फ्रेंड्स बैक फ्रॉम इंडिया और उसकी टीम के साथ लेवरेज करके आई पार्टनर विद मैंने कहा कि दिस इज वट आई एम डूइंग आई नीड योर हेल्प ही गाइडेड मे अलॉट कि ये हमने वर्कशॉप्स किए हैं बहुत ऑनलाइन okay. ओके वर्कशॉप किए रियल स्टेट इन्वेस्टर्स आ रहे हैं उन्होंने यू नो मंथली पैकेजेस हमसे बाय किए परचेज अ टीम तो मैं अकेले नहीं कुछ कर सकता शुरू में दो तीन hmm. चीजें अकेले की बट वो सिर्फ प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट दिखाने के लिए hmm. कि दिस कैन वर्क तो जिनके लिए फ्री किया तो उनको उन्होंने पचास हजार डॉलर कमा लिया hmm. तो उन्होंने

आता-आता फिर वो चीजें इन इनकॉर्पोरेट की देन आई शिफ्टेड फ्रॉम जस्ट लीड जनरेशन टू ब्रांड बिल्डिंग इटसेल्फ तो दैट्स हाउ स्क्वर्ड मीडिया स्टार्टेड फिर आपने कंटेंट क्रिएशन करना शुरू किया और 5000 फॉलोअर्स से आपके 300000 फॉलोअर्स इन 90 डेज या yeah. वो मतलब हो जाते हैं कई लोगों के पर कंटेंट डिपेंड करता है hmm. आपने कैसे सोचा कि मैं सिर्फ इंटेलेक्चुअल कंटेंट ही बनाऊंगा Hmm. और नॉलेज प्रोवाइड करके मैं फॉलोअर्स गेन ये सोचा था मैंने सी uh, मैंने इसके लिए भी बहुत मेंटरशिप्स uh, ली हैं ओके सो आई आई एम बिलीवर इन जो आपको चीज नहीं पता वो किसी को पता है hmm. और उसको पता है उसके आप दो ही चीजें कर सकते हो या फिर आप उसको कुछ वैल्यू प्रोवाइड करके फ्री में कुछ दे सकते हो hmm. या फिर उसको पैसे देके आप सीख सकते हो hmm. तो कुछ चीजें मैंने फ्री वैल्यू दे के किसी को हेल्प की है और उसे सीखा है किसी hmm. को मैंने पैसे दे के सीखा hmm. तो बट जो नॉलेज है ना वो आपके अंदर ही और उसके बाद जब आपके पास आ जाएगी देन हाउ यू यूटिलाइज दैट नॉलेज इट टोटली डिपेंड्स ऑन दैट तो दैट्स हाउ आई लर्न ऑल दीज थिंग्स बट द सेम थिंग्स मैं अपने बिजनेस में चाहे इतना नहीं कर रहा था बट मैं अपने क्लाइंट्स के लिए ऑलरेडी कर रहा था दैट्स मेन आई रियलाइज कि यू नो इफ आई वॉन्ट वॉन्ट टू बी टेकन सीरियसली फॉर द वर्क दैट आई डू एंड ग्रो माई पोर्टफोलियो देन आई हैव टू स्टार्ट डूइंग समथिंग फॉर माई सेल्फ ऑल्सो

उसमें दिमाग में वो ट्रिगर करा एग्जैक्टली वही स्टेफन वाला स्विच ऑन एंड ऑफ वो और काफी चीजों में, में मेरी लाइफ में ऐसे ही होता स्विच ऑन ऑफ कि जैसे दस साल तक वेजिटेरियन था Hmm. तो उसके बाद स्विच ऑन हो गया चलो ठीक है चिकन खाना शुरू कर <laughs> <laughs> कई लोगों के लिए स्विच ऑफ हुआ है आपके ah. लिए स्विच ऑन हुआ लोगों के लिए स्विच ah, आँ, आँ, बट अभी मेरे लिए वो भी स्विच ऑफ हो सकता है hmm. right ah, uh, hmm. तो ऐसे स्विच ऑन ऑफ हो तो वो उस वक्त स्विच ऑन हो गया कि यार अपना कंटेंट बनाना है। तो एक दिन में मैंने कहा लोग कितना बना रहे हैं हफ्ते में दो बना रहे हैं तीन बना रहे हैं चार बना रहे हैं मैं एक दिन में दो वीडियो डालूंगा

तो मेरी जो टीम है एडिटिंग दो तीन दो वीडियोज आ रही है बहुत अपडेट रहना पड़ता है एल्गोरिदम बहुत ज्यादा तेज हो रहा था हाँ बट एक तो कंसिस्टेंसी है बिकॉज आई रियलाइज वन थिंग कि आई वॉन्ट टू स्केल एंड स्केल एट मतलब कि अपने क्वान्टिटी एंड क्वालिटी में भी नॉट जस्ट इन क्वान्टिटी तो हाउ आई रियलाइज दैट कि मेरे को आई हैव टू गो अ लिटल ब्रॉड गोइंग वेरी नीश

और उसमें से जब वो डाउन गए उनकी क्या गलती थी आप एनालाइज करके उसको चेंज कर सकते हैं yeah. yeah. तो ये सब चीज़ें हैं ये सीखी और कॉन्टेंट uh, में एक चीज़ को ही फोकस किया कि आई वॉन्ट टू हिट वॉट नंबर ऑफ व्यूज़ एवरी सिंगल मंथ आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वन वीडियो आई एम टॉकिंग अबाउट जितनी भी वीडियो सिक्सटी वीडियोज मेरे को एंड गोल कितना चाहिए hmm. अब उसके लिए मुझे दिन में चाहे तीन वीडियोज किसी किसी दिन में ना तीन वीडियोज भी डाली जस्ट टू टेस्ट इट आउट ताकि मेरे को वो नंबर हिट करना है सो so, अगर एक मंथ में आई एम रीचिंग थर्टी फाइव हंड्रेड व्यूज थर्टी वो थर्टी सेवन थाउजेंड व्यूज हो गए हंड्रेड थाउजेंड हो गए वो सीधे फोर मिलियन पे चले गए हाँ। तो ऐसे ऐसे ग्रोथ होनी शुरू हो गई इट्स कंपाउंड इफेक्ट तो आपने जितने भी वीडियोज बनाई है अपनी इंस्टाग्राम पे या टिकटॉक पे वो सारा इंटेलेक्चुअल स्टफ था तो इतनी इंफॉर्मेशन आपने इकट्ठी की है तो अभी क्या चल रहा है दुनिया में आपको क्या लगता है क्या चल रहा है मैंने इतनी इन्फॉर्मेशन डिफरेंट डिफरेंट वराइटी में की है तो किस सेगमेंट में की, मतलब because... कैसे अभी दुनिया चेंज हो रही है एज ए आई अभी मैं देख रहा था पॉडकास्ट एडिट करने के लिए ऑटोपोड हाँ। आया ठीक हाँ, हाँ, हाँ। है वो मतलब मेरे को दो तीन घंटे लगते हैं कट और आ, सारा कुछ कैमरा जब आपने वीडियो देखी उसका फोर्टी फाइव में एडिट कर रहा है पूरा पॉडकास्ट yeah. hmm. तो एक हिसाब से दुनिया चेंज हो रही है yeah. जॉब्स uh, कम हो रही है एआई टेक ओवर कर रहा है राइट right? hmm. तो उस परस्पेक्टिव से आपको डिफरेंट डिफरेंट तरह की नॉलेज है पूरी दुनिया की सो वट आई अबाउट टॉकिंग अबाउट दी आई द फ्यूचर एंड द जॉब यू कैनोट बी एन एवरेज एनीमोर लेट्स बी ऑनेस्ट अगर आपको लगेगा कि मैं सिर्फ एवरेज जॉब करके और लाइफ स्टाइल रखे और uh, अपनी परफॉर्मेंस दे के आई अर्न माई लिविंग इट्स गोइंग टू बी लिटिल टफ सो इवन इफ इट इज एन ए आई आप यूज देखो कि उसको आप कैसे इंकल्केट कर सकते हो अपने प्रोफेशन में ताकि आप उससे एडवांस हो सकते हो आप में एक एक्सपर्टीज hmm. आ सकती हैं सो hmm. so, जो एवरेज है और जो बिलो एवरेज है दे आर गोइंग टू बी दंस हुआ टू गेट हिट हार्ड और वो ही सबसे होता है कि वाइट इज हैपनिंग विद मी वही लोग जो कहेंगे वाइट इज हैपनिंग हैिंग बिकॉज जो स्मार्ट होगा जो अब एवरेज होगा वो कहेगा यार इसको मैं यूज कैसे करूं अपने स्किल में हाँ, ताकि हाँ. मैं अच्छी सर्विस अच्छा सोल्यूशन हाँ, दे सकू सो बी स्मार्ट विद दैट कि ए आई विल टेक अवे द जॉब्स बट विल ऑल्सो क्रिएट अ लॉट ऑफ जॉब्स बिकॉज इफ यू से दैट मैं एवरेज था बट मैंने ये यूज करके मैं अबव एवरेज हो गया हूं यू आर स्मार्ट पीपल वॉन्ट टू हायर यू लाइक like मी मुझे लगा मैं अपने तीन घंटे बचा के कुछ और exactly. कर सकता हूँ फिटनेस पे वीडियो बना ah. सकता हूँ या कुछ भी कर सकता हूँ एग्जैक्टली exactly. इंडिया का क्या लगता है आपको जैसे अभी करंटली यूएस डॉलर्स उन्होंने हटा दिया इंडिया रुपीस में ट्रेड करेगा इंडिया ग्रो होगा आगे इंडिया का तो बहुत पोटेंशियल है इंडिया इन द नेक्स्ट बाई ट्वेंटी ट्वेंटी या ट्वेंटी ट्वेंटी आई फील की India would be one of the biggest superpowers in the world. Uh, मैं एक फ्रेंड the से बात कर रहा था वो कह रहा था मैं कनाडा में घर नहीं लूंगा hmm. तो मैं उससे पूछ रहा था क्यों क्यों नहीं लेगा कहता आने वाले सालों में यहाँ पे इतनी ग्रोथ नहीं होगी जितनी अभी हमें लग रही है yeah. और वो दिख रहा है अभी कितना ज्यादा रेंट बढ़ गया है कितना मतलब नॉर्मल लोगों के लिए yeah. जो लेबर जॉब्स कर रहे हैं काइंड ऑफ उनके लिए बहुत हार्ड है लिविंग इस टाइम हाँ कैनेडा में भी और बाकी बिकॉज आई थिंक इनको ज़रूरत नहीं ना बिकॉज दीज आर डिवेलप्ड कंट्रीज जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनमें फायर होता तो है तो उनमें यह कि मेरे को कुछ करना है और वही चीज़ है ना कि लाइक जस्ट लाइक एन एस्पायरिंग लाइक यू यू वांट टू गेट इनटू अ प्रोफेशन आप अपनी बिजनेस शुरू करना चाहते हो सेम विद इंडिया इंडिया इज अ डिवेलपिंग नेशन उसमें फायर है अभी यंग क्राउड हाँ। इतना ज्यादा लाइक एवर ग्रो करने का पोटेंशियल है उनको पता नहीं हाँ। कुछ काफी लोगों को पता भी नहीं कि है कि उनका क्या करना है बट उनमें फायर बहुत है देअर विलिंग टू डू एनी थिंग बिकॉज उनको है कि मुझे ये ये, ये जो एनर्जी है इसको कहीं पर लगाना है बट वो भी दैट इज ऑल्सो वन सेड पार्ट कि वो एनर्जी बहुत है बट वो बड़ी बिखरी हुई है Hmm. क्योंकि हम बड़ी सिटीज की बात, बात करते हैं कि बड़ी सिटीज़ hmm. में बहुत अच्छी प्रोग्रेस uh, हो रहा है बट बहुत सारा टैलेंट छोटी सिटीज में भी है जहां hmm. पे बहुत डिस्ट्रीब्यूटेड है वो एनर्जी को अगर कोई किसी वे से दैट यू कैन यू नो कंबाइन दैट एनर्जी एंड यूज इट फॉर इंडिया सक्सेस आई एम टेलिंग यू दैट पीरियड कुड बी इवन स्मॉलर अगर वर्ल्ड वॉर थ्री नहीं होती huh. और अगर इंडिया uh, पे कोई अटैक नहीं होता और द वे दैट इट इज कॉन्सेंटली गोइंग राइट नाउ जैसे आपने कहा कॉन्टेंट क्रिएशन वो अब बहुत ज्यादा चेंज लाएगा क्योंकि विलेज में भी वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं पॉडकास्ट सुनते हो आप हाँ uh, बहुत सारे कौन से पॉडकास्ट सुनते हो रणवीर uh, रणवीर

पता चलता है कि the kind of people that they are interviewing, कि उनके माइंड hmm. hmm. तो उससे सीखने के लिए काफी मिलता जो Business, रोगन uh, हाँ. कितना है और अपना आगे रखता तो ये these. मैंने इसलिए पूछा क्योंकि इससे थोड़ा एनालाइज हो जाता है कि जो गेस्ट है उसकी थिंकिंग कैसी है hmm. कई लोग जो है वो देखते नहीं इंटेलेक्चुअल स्टफ कंज्यूम करना चाहते ही नहीं hmm. हंसी वाली चीज कोई ऐसे इधर उधर जो एंटरटेनमेंट hmm. वो तो इसलिए मैंने ये पूछा था नहीं आउट तो पॉडकास्ट ही चल रहा होता मेरे साथ दैट्स वाई यू आर सो क्रिएटिव आई थिंक नो 20 साल की उम्र में जो साहस था फिट ट्वेंटी फाइव और अब जो साहस है क्या चेंज है इसमें क्या बदलाव आए हैं समझाओगे थोड़ा अगर आपको एक मिनट में बताना हो तो जो बीस साल का साहस था उसको तो पता ही नहीं था ना कि वो क्या करना चाहता अपनी लाइफ में डायरेक्शन ही नहीं है और किसी के लिए एम्बिशन भी नहीं है अवेयर नहीं थे उस टाइम आप किसी नहीं भी अवेयरनेस ही नहीं थी किसी चीज़ के बारे में क्या करना है आई वो सो आई वुड कॉल माई सेल्फ डम अबाउट लाइफ कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं ट्वेंटी फाइव के टाइम पर साहस को पता था कि कुछ करना है बट उसको रास्ता नहीं दिख रहा था ओके विच इज़ वाई वो पार्टीज करता रहा इंजॉय करता रहा वर्कआउट करता रहा वो सब चीज़ें डिसिप्लिन चलता hmm. रहा साथ hmm. में बट हार्ड hmm. वर्किंग भी था बट उसको डायरेक्शन नहीं थी कहाँ पर जाना थर्टी थर्टी टू ईयर्स के एज में साहस को हाँ। कुछ रास्ता देखना शुरू हुआ और उसने बहुत मेहनत लगाई उसके लिए हाँ। फिर उसके बाद वो यहाँ पर पहुँचा फिर इधर इसको एकदम से न्यू वर्ल्ड दिख गया तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि इंडिया मेरी जन्मभूमि है तो कैनेडा मेरी कर्म भूमि है यहाँ पर मैंने जो खुद से सीखा ना चीज़ है ना चीज़ें खुद से सीखा मतलब कि जो एक्सपीरियंस किया है और ऑब्जॉर्ब किया है चीज़ें उसने मुझे बहुत अच्छा परस्पेक्टिव दिया लाइफ के मैं इसको एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं कि मुझे इसके हार्डवर्क और आपके लक पे भी बहुत डिपेंड करता है कम्बिनेशन ऑफ बोथ द थिंग्स आई नॉट से आई कैन नॉट इन द वर्ल्ड टेक द क्रेडिट ऑफ ऑल द सक्सेस दैट आई आई हैव दैट्स वेरी ऑफ मी टू से दैट मैंने यही चीज बुक में पढ़ी थी द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग के जो लक है वो टाइम और सक्सेस का एक साथ साथ पार्ट है इसलिए वो कहते हैं कई बिजनेसमैन के आप यू हैव टू गिव फाइव इयर्स एट लीस्ट टू बी समथिंग तो इयर्स का क्या है सक्सेस वो कभी भी आ सकती है hmm. पर अगर आप कंसिस्टेंट हो पांच साल से चली रहे हो तो वो सक्सेस कभी भी टकरा सकती है उसके hmm. साथ तो hmm. वो लक की डेफिनेशन उसको मतलब डिस्क्राइब किया था बुक में ऐसा. तो वो प्रिपेयर कैसे हो गया आपको हार्ड वर्क तो यार रोज उठ के करना पड़ेगा hmm. तो अपने आप की अपनी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेसफुल बढ़ा सकते हो बट यू के नॉट से कि ओनली यू एंड यू इन दिस वर्ल्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सक्सेस दट हैव गॉड बिकॉज देर इज अ यूनिवर्स विच इज इंसपायर फॉर यू इंसपायरिंग विद यू टू गेट यू टू दैट लेवल राइट तो वो चीज़ ये प्रोस्पेक्टिव नहीं था ये प्रोस्पेक्टिव सीखा hmm. और आस्ता जस्ट लर्निंग एंड ट्राइंग टू फाइंड पीस विद सर्टन थिंग्स इन योर लाइफ

जो जैसे जैसे रास्ता देख बट मैं okay. ये चाहता हूं कि जो मैं अभी कर रहा हूँ मैं इसको अच्छी तरह से करूं दैट इज वॉट माई गोल इज इट्स नॉट लाइक कि मैं सिक्स ईयर्स में यू नो आई वॉन्ट टू बी ऑन द लेवल ऑफ स्टेजेस एंड जहाँ पे ग्रैंड कार्डोन की तरह पे यू आर स्पीकिंग से आई वॉन्ट टू डू द सेम थिंग्स इन वट एवर कैपेसिटी दैट आई कैन राइट नाउ एंड गिव यूर फुल एनर्जी एंड सी वेयर इट टेक्स सी वेयर इट टेक्स एंड ट लाइक आई माइट बी मैंने ये चीज भी सीखी है कि हमारी हम जब गोल देते दे ना अपने आप को हाँ. हम अपने आप को एक छोटा डिफाइन कर देते हैं उसी वजह से क्योंकि यू आर लिमिटिंग योर ओन सक्सेस बाय टेलिंग दैट आई वांट टू रीच टू टेन मिलियन और हंड्रेड मिलियन फॉलोअर्स और पैसा या योर गोल इज मे बी द यूनिवर्स हैज हंड्रेड मिलियन गोल फॉर यू बट व्हाई शुड आई जस्ट से दैट यू नो आई वांट टू रीच सो फॉर मी मैं अभी क्या कर सकता हूँ अभी के इस ड्यूरेशन के टाइम फॉर द नेक्स्ट थ्री मंथ मंथ्स के टाइम पीरियड में अभी क्या कर सकता आई कैन जस्ट पुट बेटर कॉन्टेंट आई कैन वर्क हार्डर टेक केयर ऑफ माई हेल्थ बेटर क्योंकि मैं अगर अभी नहीं ये चीजें करूंगा तो पांच साल तो भूल ही जाऊँ ना कि पांच साल के बाद एफ बी इवन फिटर और एफ आएल बेटर मेंटल हेल्थ को आई वॉन्ट आई गिव अ लॉट ऑफ प्रायोरिटी प्रायोरिटी ओके मेडिटेशन लाइक जैसे मेडिटेशन शुरू किए किए हुए मुझे पन, दस पंद्रह साल हो गए थे जब मैंने शुरू किया फिर से ओके okay. तो ये मैंने हो गया अभी दो साल हो गए होंगे क्या करते हो आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज ओम चैंटिंग रोज सुबह रोज सुबह मैं योगा निद्रा करता हूँ रोज सुबह अच्छा जिम से आके ट्वेंटी मिनट्स Hmm. तो मैंने और भी चीजें ट्राई की थी पर उसमें ना डिस्ट्रैक्ट होता है माइंड मेरा पता नहीं क्यों hmm. तो मैंने सोचा कुछ बेसिक से शुरू करते हैं कर हल्के हल्के थोड़ा अपना माइंड को स्टेबल करके hmm. आगे बढ़ेंगे ये ये भी मैंने रणवीर आलाबादिया के शो में सुना था अच्छा। योगा निंद्रा के बारे में okay. फिर मैंने उसके बारे में सर्च करा फिर वो शुरू करा काफी hmm. रिलैक्सिंग है कुछ आइडियाज आते हैं आपके माइंड में क्रिएटिव समथिंग क्रिएटिव से याद है तो कंटेंट क्रिएट जो करना चाहता है mm -hmm. या कोई आगे क्या गाइडेंस आप दे सकते हो कुछ टिप्स जैसे वही नॉलेज इन पर्सन आपने किसके साथ बाई की थी mm -hmm. तो आप अपनी नॉलेज शेयर करना चाहते हो ओके दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट मिसलीडिंग थिंग क्योंकि हर कोई बंदा अपने आपको अपना सक्सेस दूसरे से कंपेयर करिए Okay. I, I'm not not getting any success. in comparison to what? Somebody who has done the the same 40 videos. Hmm. But there are 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 so many other other things which are, uh, dependent. You are not the other person. लिटी अलग है उसकी पर्सनैलिटी अलग है आपके साथ जो लोग कनेक्ट कर रहे हैं वो इंटायरली डिफरेंट होंगे ह्यूमन बींग्स जो दूसरे के साथ कनेक्ट कर रहे हैं तो सिमिलरली आई वुड सेफ बिजनेस में भी यही है आप जरूरी थोड़ी है कि दैट आई वॉन्ट टू मेक एवरी बडी माई क्लाइंट आई वॉन्ट टू वर्क विथ सर्टन पीपल हु बिलीव इन द सेम आइडियोलॉजी वैल्यूज एंड ट्रस्ट मी दैट आई कैन हेल्प दिम ओनली दे आर गोइंग टू वर्क विथ मी सिमिलरली फॉर द कॉन्टेंट ऑल्सो डोंट फोकस ऑन द नंबर्स इन की मैंने कैसे अपने आप को बेटर करो मेरे में एक कीड़ा है कि की मेरे को hmm. अपने आप को अच्छा करना है आई वॉन्ट टू बी बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ एज अ स्टोरी टेलर नॉट द बेस्ट वर्जन ऑफ

क्योंकि ईगो लिफ्टिंग भी सेम थिंग है ना कोई साथ में लगा रहा है वो 45 की टू प्लेट्स डाल रहा है और हम लगा रहे हैं अगर 25 या 45 की होता है कि यार मैं भी ज्यादा डालूं और वो मेरी मेंटालिटी चेंज हो गई मैं देखता ही नहीं कौन क्या डाल रहा है कितना वेट डाल रहा है सेम आई थिंक यू आर राइट और जिम बहुत डिसिप्लिन लेके आता है हाँ, लाइफ में हाँ, हाँ, हाँ तो आ चाहे कुछ भी करना है आपके अपनी लाइफ में चाहे बिजनेस करना है चाहे कंटेंट बनाना है कंटेंट क्रिएटर बनना है आई थिंक mm -hmm. आपको फिजिकल एक्सरसाइज तो करनी ही चाहिए डिसिप्लिन mm -hmm. की आप रियल डेफिनेशन समझोगे mm -hmm. अगर आप ये चीज नहीं कर सकते हो अपने लिए तो व्हाई शुड अदर पीपल इव इन वर्क विद यू एंड लिसन टू यू क्योंकि आप यू कैनॉट हेल्प यूर टू बी मेंटली एंड फिजिकली फिट हाउ यू थिंक यू कैन हेल्प अदर पीपल अपने ऊपर हाँ, सारा एक्सपेरिमेंट uh, करो ना मेक योर लाइफ अ बेटर लाइफ जो रोगन ने भी एक पॉडकास्ट में कहा था कि इफ यू कांट हिट जिम कंसिस्टेंटली यू कांट बिल्ड अ बिजनेस क्योंकि बिजनेस के लिए उससे ज्यादा कंसिस्टेंसी चाहिए ah. और ज्यादा हार्डवर्क ah. जितना आप जिम में जिम में करते hmm. हो तो में, और मेंटल स्टेट hmm. uh, क्योंकि बिजनेस में अप एंड डाउन होगा ah. जिम में अप एंड डाउन नहीं हो रहा हाँ, होता है पर वो हो डाइट के हिसाब <laughs> से डाइट <दाएट> के हिसाब <laughs> से बट आ, जैसे जिम में अपडाउन कि वही ना आपने इतना अभी अपनी नहीं बढ़ाई नहीं नहीं यार कल नहीं जाना हाँ, ये वाला उसमें अप एंड डाउन ये है कि कल नहीं मन नहीं कर रहा है यार बट अभी है अगर आपको पता है कि आपने कल नहीं जाना आपको पता है कि यू कैन डू इट दफ्टर क्योंकि यू हैव अ बेटर आपको पता ये हैबिट बन चुकी है वो हैबिट बनने में जो टाइम लगता है ना मेरे साथ ऐसा ही है मैंने कभी जिम मिस किया है एक आधे दिन पर कभी पर्टिकुलर पार्ट नहीं मिस किया जैसे एक दिन मिस किया वो अगले दिन में लगा लूंगा mm. एडजस्ट कर लूंगा एक्सरसाइज mm. ऐसी आ, हो हो जाता जाता है है बंदा और मैं भी आई एम ऑलवेज लर्निंग आल्सो अबाउट वर्किंग आउट आल्सो तो मेरा एक फ्रेंड है जो जिम में ही आता मेरे साथ में hmm. वो भी मुझे एक्सरसाइज करते हुए देख रहा था मैं भी उसको एक होता है ना मिल जाता है आई फाउंड वेरी गुड फ्रेंड्स फ्रॉम जिम ऑल्सो तो वो उसने भी देखा कि उसे क्या एहसास थोड़ा ऐसा करना मैं कहा कहा ओके वेरी गुड मैंने कहा मुझे ऐसे टीचर्स चाहिए अपनी <laughs> लाइफ में <laughs> कोई भी आपको अगर चीज में कोई बंदा आगे हेल्प करने आ रहा है बी वेरी ओपन टू लर्निंग बिकॉज आप कुछ चीज नहीं सीखोगे <laughs> तो मैं अब क्या करता हूँ क्योंकि आपकी ना बॉडी यूज भी हो जाती है वैसी टाइप की एक्सरसाइज करते करते काफी देर तक तो वो मसल वर्कआउट नहीं कर रहा वो बन चुका है उसमें कोई क्रैम्स नहीं बन रहे और वो सो मे बी वो फ्लैट ही हो रहा होगा तो जब मैं कहा यार तेरा क्या स्केड्यूल है अच्छा तो वो अपना स्केड्यूल शेयर करता है तो मैंने कहा चल ठीक है आई आई डू फॉलो योर स्केड्यूल वो जैसे जैसे बोलता है मैं वैसे वैसे करता रहता हूं। मुझे बड़ा मजा आता क्रैम्स पढ़ते क्रैम्स पढ़ते हैं कहा यार कुछ मूवमेंट हुई है ये मजा आया सो आई थिंक एक लर्नर आपको यू हैव टू बी द लर्नर ऑफ द गेम कॉन्टेंट क्रिएशन हो बिजनेस हो

एंड इन पर्सन इवेंट है पीपल हु आर नॉट इन कैनेडा दे केन ऑल्सो ज्वाइन क्योंकि वर्चुअली भी वी हैव मेड अरेंजमेंट्स कि आप वर्चुअली भी अटेंड कर सकते होके बट पीपल हु आर इन कैनेडा आई रियली रियली इंटरेस्ट फॉर देम टू जॉइन बिकॉज इसमें यूर गोइंग टू लर्न हाउ टू बिल्ड योर बिजनेस फ्रॉम ग्राउंड जीरो हाउ टू क्रिएट कॉन्टेंट देन हाउ टू बिल्ड योर टीम्स ओके और सबसे बड़ी बात है कि यू आर गोइंग टू बी इन अ संगत hmm. यह संगत ऑफ लाइक माइंडेड कंटेंट क्रिएटर्स की सराउंडिंग ही yeah. सारी वही होगी मेरे को ना एक वर्ड बहुत अच्छा लग लगना शुरू हो गया आजकल संगत okay. <laughs> मैंने अभी से सीखा है okay. ओके अभी अभी इज अनदर कोफाउंडर ऑफ द कंपनी दैट वी स्टार्टेड टुगेदर ओके व्हिच इज कैनेडियन डिजिटल स्टार्टअप हब उसका जो फर्स्ट इवेंट कर रहे हैं बाय द नेम ऑफ डिजिटल एंटरप्रेन्योर मास्टर क्लास मैं अभी और अरमान ओके सो ऑल थ्री ऑफ एस आर डूइंग दिस इवेंट एंड विद द हेल्प ऑफ अदर इन्फ्लु साहिलोवर्स ही सो लॉट मैनी गुड पीपल आर गोइंग टू बी देयर तो उनसे भी सीखने के लिए मिलेगा और यू विल बी सराउंडेड बाय द गुड संगत मैं वही अभी का ही बोल रहा था अभी ने मुझे एक वर्ड सिखाया वो संगत और मुझे ना इससे ना बहुत प्यार हो गया दैट आई वॉन्ट टू बी इन द कंपनी ऑफ दो अपने आप को भी बिल्ड कर रहे हैं hmm. और मैं भी उनके साथ ग्रो कर रहा हूँ hmm. तो अपनी संगत अगर आप चेंज करोगे ना अपनी लाइफ में दैट विल डिफाइन द सक्सेस ऑल्सो मेरे कितने दोस्त हैं यार hmm. जो अभी है ही नहीं है ऐसा क्यों क्यों होता है ऐसा हर बार मतलब मेरे क्यों साथ होता? भी हाँ. कोई भी अगर, अगर अपना पाथ कुछ डिफरेंट चूज करना चाहता है तो उस टाइम उसके कई जो फ्रेंड्स हैं वो लूज हो जाते हैं उससे हाँ बट ये, ये देखोगे कि ये नेचुरल टेंडेंसी है इट्स नॉट कि तुमने सोचा कि मैंने उससे बात नहीं करनी इट्स जस्ट दैट कि आपका लाइफ का पाथ थोड़ा डिफरेंट चलना शुरू हो जाता है जिसमें आपको कनेक्शन नई बात बनती है उसके साथ तो उसको भी ल, दूसरे बंदे को भी लगेगा हुँ. अगर वो एक्सेप्टिंग होगा हाँ. तो वो कहेगा कि यार आई एम सो ग्रेटफुल दैट यू हैव फाइनली फाउंड समथिंग इन योर लाइफ दैट यू वॉन्टेड टू गो बट दूसरा साइड में होगा ये तो फोन ही कितना यार हाँ, राइट इफ उसकी कॉन्वर्सेशन जब आप फोन उठाते हो ना किसी से और ऐसे भी यू कैन जज अ गुड फ्रेंड जब पहले पहली बात क्या करता है वो अगर वो पहली बात कंप्लेन से शुरू करता है इज नॉट अ गुड फ्रेंड तो क्योंकि आपको नेगेटिव कर रहा है एक प्यार होता है जहां पर आप कह सकते हो कि आ, मतलब उसका हक है बोलना या ये सब चीजें लेकिन आपको टोन से पता चल जाएगा

क्योंकि तूने ये नहीं पूछा तू कैसा है और तूने सबसे पहले यू चोज यू हैड अ चॉइस टू आस्क मी कि हाउ आर यू इज इट समथिंग गोइंग ऑन इन योर लाइफ यू नेवर यू डेंट इवन केयर टू आस्क मी अबाउट दैट क्योंकि यू you नो know कि क्या स्ट्रगल्स हो रही है ऊपर नीचे ये सब चीजें चल रही हैं एंड यू स्टिल चोज टू आस्क क्वेश्चन जो मुझे ऑफेंड करेगा नेगेटिव hmm. से दैट्स अ चॉइस दैट यू हैव मेड एंड आई एम सॉरी आई डोंट वांट टू बी हैंगिंग आउट विद द पीपल हु आर नेगेटिव ऑल रिस्पेक्ट यू ऑल लव टू यू बट हमारे रास्ते डिफरेंट हो चुके हैं अब तो आई थिंक कुछ कुछ लोगों की आपकी लाइफ में जगह भी कुछ टाइम के लिए होती है हाँ. और वो एक्सेप्ट करना चाहिए यू कैनॉट क्लिंग ऑन टू अ रिलेशनशिप फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड यू डोंट है तो जो हुँ. जा सकते हैं और गो विद फ्लो नॉट विद की अच्छा ये स्वाइप राइट है या है, स्वाइप लेफ्ट है लाइक लाइक अटेंडर गो आपको आस्ता आस्ता मैंने आई एम सो लकी मैं ये बोलता हूँ आई एम सो ग्रेटफुल दैट आई एम सराउंडिंग आई एम सराउंडेड बाई पीपल लाइक यू आज आई एम गेटिंग टू सेट विद यू बिकॉज कुछ ना कुछ लाइक माइंडेड चीजें हैं कैसा लग रहा है आपको अच्छा लग अच्छा, रहा है द वाइफ इज वेरी गुड आई लाइक द कूलनेस एंड सेरेनिटी ऑफ आर कॉन्वर्जेस तो

और वो कहीं ना कहीं आपको भी जगाते कि हाँ अगर आप ढीले पड़ रहे होगे ना तो आपको भी होगा यार ये दोनों चल रहे हैं मैं मैं क्यों रुका हूं, हाँ। हाँ। मैं भी चलता हूं। हाँ सीखने हाँ। को मिलता ना बहुत कुछ हाँ। आप जो कभी थोड़े से लेजी हो गए हाँ। तो तो यू टू तो आप वही संगत है वही आप जैसी संगत रखोगे आप उसी हिसाब से आपका ग्रोथ पैटर्न पता चलेगा बहुत अच्छा लगा वी आर इन द एंड ऑफ द पॉडकास्ट पर दे इज वन क्वेश्चन आई वॉन्ट टू आस्क मैं अभी ट्वेंटी फाइव ईयर्स का हूँ या कोई मेरे से छोटा लाइक ए यंगस्टर लगा लो कोई बीस साल का हो तो जो आपने गलतियाँ की वो ना करें कुछ ऐसी सीख देना चाहते हो गए अपनी लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में या इसके भी पीछे मैंने अभी एक रिसेंटली वीडियो भी बनाई थी दैट इट्स ओके टू बी डायरेक्शन लेस लाइक like, मैं अपना एग्जाम्पल ही दे पाऊंगा कि आई नॉट से जनरलाइज एन एक्सपीरियंस फॉर एवरी वन बिकॉज मैं अपनी लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में ही बता सकता हूँ फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम इन माई लाइफ आई बीन वेरी डायरेक्शन लेस एंड स्टिल एट द एज ऑफ थर्टी 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 फाइव आई रियलाइज कि मेरे को कहाँ पर जाना है सो डोंट पुट अ प्रेशर ऑन योर सेल्फ दैट यू आर एटीन ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव कि मुझे मैंने लाइफ फिगर आउट नहीं की आई एम टेलिंग यू पीपल एट फोर्टी पीपल एट माई एज एंड मी ऑल्सो आई हैव नॉट इवन फिगर आउट लाइफ यू डोंट हैव टू फिगर आउट लाइफ द होल पॉइंट ऑफ द लाइफ इज टू इंजॉय द जर्नी इट सेल्फ ये चीज बोलने में बड़ा ही फिलोसॉफिकल लगती है बट hmm. आप रियलाइज करना शुरू कर दोगे ना जब आपको इसका रियल मीनिंग समझना शुरू होगा hmm. तो वो समझने के लिए आपको थोड़ा पेशेंट होना पड़ेगा अपनी लाइफ में डोंट एक्सपेक्ट कि आपके पास चीजें आनी आ जाए आज ही आ जाए hmm. वो नहीं आएंगे बिकॉज hmm. hmm. आप उसके लिए रेडी नहीं हो

इसलिए जो चीज़ जिस टाइम पे आनी हो उसी टाइम पे आएंगी बट अपने आपको प्रिपेयर करो उसको हैंडल करने के लिए सो विच इज वाई पेशेंट होना अपनी लाइफ में बहुत जरूरी है uh, अपने आप को कंपेयर मत करो दूसरे की ग्रोथ से क्योंकि आप उसकी जगह पे खाना नहीं खा सकते हो उसने अपनी लाइफ जीनी है तुमने हाँ। अपनी लाइफ जीनी है और उसकी जगह पे तुमने नहीं मरना उसने आपकी जगह उस आपकी जगह पे उसने नहीं मरना आपने अपनी लाइफ जीनी है इज गोइंग टू से जितना मर्जी कोई आपसे प्यार कर लेगा वो आपकी जगह पे खाना नहीं खा सकता hmm. उसने अपना ही खाना खाना है उसने अपने ही कर्म करने हैं उसने अपना ही सक्सेस या फेलियर जो अपनी लाइफ में जीना है सो जस्ट बी पेशेंट इट्स ओके टू बी डायरेक्शन लेस डोंट यू डोंट हैव टू फिगर आउट एवरी थिंग बी इन अ कंपनी ऑफ संगत जो आपको अपलिफ्ट कर सके जिनको आप भी अपलिफ्ट कर सको एंड लेट द टाइम टेक इट्स ओन कोर्स बहुत काम वाइब है आपकी मतलब शायद इसलिए क्योंकि आपने इतना स्ट्रगल देखा है और इतना पेस से चले हो और टेंस प्रेशर होता है ना माइंड में हाँ कुछ करना है शायद इसलिए आपको अब बहुत पीसफुल है आपका माइंड हाँ। मुझे ऐसे मतलब वाइब आ रही है हाँ। काफी मेडिटेशन ने बहुत हेल्प किया आई थिंक मेडिटेशन इज वेरी वेरी इंटेग्रल पार्ट जो मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने क्यों छोड़ दिया फिर उसके जब शुरू किया उसने मुझे इट्स अ प्रैक्टिस ना इट्स नॉट की आप यूकम मैं भी कोई ऐसा नहीं है कि बहुत प्रोफेशनली मेडिटेशन कर रहा हूँ छोटे बिगनर लेवल पर ही mm -hmm. eh? really uh, uh, uh. उसका सक्सेस उसका लेवल आपको आपको नहीं दिखेगा दूसरे को देखना शुरू वही मुझे दिख रहा है yeah. मैं खुद अब पहले टेंशन थी हाँ मैं क्या कर रहा हूँ मैं पच्चीस साल का हो गया अब आपसे बात करके जैसे आपने बातें बताई है अपनी मुझे लग रहा है कि हाँ कि टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है डू समथिंग टू ओवरकम इट बहुत अच्छा लगा आपको कैसा लगा बात करके अमेजिंग आई थिंक दिस इज वन ऑफ द वेरी कूल एंड वेरी नाइसली डन पॉडकास्ट दैट आई हैव बीन थैंक यू सो मच और मुझे इन पर्सन ही ज़्यादा मजा आता uh, कुछ जूम पे भी हो जाते हैं कुछ आई एम ग्लैड कि यू कॉल मिनट टू योर स्टूडियो इट्स ग्रेट वाइब इज ग्रेट आई लाइक द कूलनेस ऑफ ब्रीजी ब्लू कलर का सारा <laughs> यहाँ पे सीन चल रहा है बाय द वेयरिंग ब्लू बैकग्राउंड भी ब्लू <laughs> है ये लाइट भी ब्लू <laughs> है सो so, वो इन परसन बन जो गेस्ट आता है उसको एनालाइज करने का <laughs> मौका मिल जाता है हमको <laughs> क्योंकि एज अ होस्ट बहुत नॉलेज मिलती है <laughs> <laughs> Yeah, आप डिफरेंट डिफरेंट बंदों से डिफरेंट डिफरेंट तरह की जो उनकी थिंकिंग है उनसे बात कर रहे हो और मेरा भी यही था कि मैं इंटेलेक्चुअल लोगों के साथ ही करूँगा बस hmm. तो जिनसे भी बात की उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है शायद वो जूम में ना मिलना ही नहीं, नहीं होता वो कनेक्शन हाँ, नहीं हो पाता हाँ. मैं अभी आई वॉज टॉकिंग टू समबडी बिफोर कमिंग मेरी किसी के साथ मीटिंग थी ही इज़ ट्वेंटी थ्री ईयर ओल्ड बिजनेस ओनर इन इंडिया डूइंग क्रेजी वेल तो तो मैं 23. मैं मैं कहा तू उसका उल्टा भी भी कर लेगा हाँ, ना मैं उसकी हाँ, से भी तभी हाँ, से बड़ा हाँ, तेरे <laughs> और मैंने मुझे कुछ तो पता ही नहीं था यार हाँ, कि इस एज में सकती हाँ, है किसी के साथ क्लाइंट से मिलना होता या, ऐसे हाँ, मैं है सो आई लाइक अगेन डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद पर्सन जस्ट डू योर जो अच्छा it. लगता है आपको उस टाइम पे हाँ। वो करो वो करो उसी से सीखोगे कि कि ये मेरे लिए था नहीं था मैंने बहुत कुछ सीखा आज शायद फ्री में सीख लिया <laughs> पर बहुत कुछ सीखा थैंक यू सो मच फॉर कमिंग दोबारा हम कभी पॉडकास्ट बनाएंगे ऑन अ डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव और डिफरेंट इंफॉर्मेशन कुछ मार्केटिंग एजेंसी पे हाँ, या हाँ, कुछ आप डिफरेंट करोगे जब या आपका इवेंट का निचोड़ लेंगे कुछ हाँ हाँ हंड्रेड परसेंट यू ऑल एंड ऑल्सो मैं लिंक एड कर लूंगा प्लीज गो टू द इवेंट यू विल लर्न सो मच फ्रॉम देर थैंक यू थैंक यू सर थैंक यू